नेहावा में पुलिस ने पकड़ा और मेरे पास लाइसेंस तो है लेकिन स्कूटी के कागजात मैं नहीं लेके आया था, तो हमारी स्कूटी जब्त कर ली गई है और वो थाने में है अभी स्कूटी। मैं बहुत ही जल्द एक रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ। जी हाँ, एक बाइक ट्रिप होने वाली है। लेट्स गो, लेट्स 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 गो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और खैर आफियत से होंगे। फिर से स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो एक ब्लॉग नहीं रहने वाला है बल्कि एक मोटो ब्लॉग रहने वाला है। ये हेलमेट देख सकते हैं आप। और आज हम लोग अपनी बाइक पे नहीं बल्कि आज हम लोग अपने मामा की स्कूटी लेके जा रहे हैं कुलगाम, उसकी सर्विस कराने के लिए। और स्कूटी पे आज का हम मोटो ब्लॉग बनाने वाले हैं। ये हेलमेट मेरा रेडी है और आगे जाके हम लोग स्कूटी भी ले लेंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, सो एंड तक ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। बाय द वे, हमारे साथ मुसव्विर भाई भी आ रहे हैं, हिजाज भाई, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मोटो ब्लॉग करने वाले हैं। सो यस, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो ये आ गए हैं हम अपनी स्कूटी पर। ये है मतलब मेरे मामा जी की स्कूटी। इसमें काफ़ी सारे काम कराने हैं आज हमें, मोबाइल चेंज वगैरह। और भी ये शोर बहुत ज़्यादा करती है, स्टार्ट जब करते हैं स्कूटी को तो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है पीछे से। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आप ग्रीनरी देख सकते हैं, कश्मीर में टोटल बाहर आ चुका है। और आजकल धूप बड़ी तेज़ होती है भाई, आज भी 25 डिग्री है भाई, मतलब सोचो आप 25 डिग्री। अप्रैल का महीना चल रहा है, नहीं मई का महीना चल रहा है। इसको क्या हो गया, ये देखो कैसे लटक रहे हैं पागलों जैसे। ओके, खैर बर्फीले पहाड़ आप देख सकते हैं, इतना अच्छा फील होता है ना इनको देख के, ठंडी ठंडी यहाँ तक फील होती है देख के ही बस। और मौसम बहुत ही सुहाना है, मौसम के क्या ही कहने, एकदम राइड के अनुकूल मौसम है। ये देखिए, मैंने बहुत ही पतला कपड़ा पहन रखा है, जैकेट ऑब्वियसली है मेरे साथ लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कपड़े बर्दाश्त ही नहीं हो रहे जिस्म पे। बिस्मिल्लाह। और ये वाला जो रोड है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ये तैयार होगा ना यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बाइक चलाने में, क्योंकि ये बहुत ही वाइड बनने वाला है। पहले रोड था यहाँ से, पिछले साल ही मैग्नमाइज़ किया गया था इस रोड को, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है और वाइडनिंग हो रही है इस रोड की, तो बहुत ही अच्छा रोड बन जाएगा यहाँ से, फिर मज़ा आया करेगा हमें बाइक चलाने में भी। अभी फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं भाई दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक खूबसूरत सा दरिया है जो कि पहाड़ों से आ रहा है। कितना अच्छा यहाँ पर व्यू है, यहाँ पे नीचे को भी बहुत ही ज़बरदस्त। और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मोटो ब्लॉग ही करना चाहिए। लेकिन एक बार हमारा गोप्रो आ जाए फिर मैं बहुत सारा मोटो ब्लॉग किया करूँगा इंशाल्लाह। अभी फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब फ़ोन माउंट करो और मोटो ब्लॉग करो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो एक बार गोप्रो आ जाएगा हमारा, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त मोटो ब्लॉग बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आप सब ऐसे ही सपोर्ट करें और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं, आप कॉमेंट किया करें भरपूर, और इंशाल्लाह हम लोग एक ना एक दिन ज़रूर गोप्रो लेंगे और मोटो ब्लॉग करेंगे ज़बरदस्त वाले। और ये दूसरा दरिया, और आगे कितने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं भाई, आज तो जैसे खूबसूरती निखर के आ रही है। ये है नेहावा का मेन मार्केट जो कि आपने इससे पहले व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा देखा ही होगा ऑलरेडी। लेकिन यहाँ से लेफ़्ट हमें लेना है कुलगाम के लिए। स्कूटी में अपनी में तेल भी कम है तो आगे जाके पेट्रोल भी भराना है हमें। ओके, लेट्स गो। और ये मस्जिद कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार, ये मस्जिद देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ओहो माशाल्लाह, बाइक में पेट्रोल भराते हैं अभी। बस अच्छी कसन पैदकिन हुआ था सीट तब। यू छो कॉम्प्लिकेशन
बिस्मिल्लाह। कितने? 200 में 3 सेल। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। ओ भाई 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 भाई, हाँ जी दोस्तों, फ्यूल अप भी हो गया है हमारा। 200 रुपये का हमने इसमें तेल डलवाया और 3 सेल इसमें आ गए हैं। 3 सेल अपडेट हो चुके हैं। पहले 1 सेल थी जो ब्लिंक कर रही थी, और अभी चलते हैं कुलगाम की ओर। हमें एक्चुअली शोरूम पे लेके जाना है स्कूटी को, और शोरूम से हम इसकी सर्विस कराने वाले हैं। तो देखते क्या कुछ रहता है, एंड पे मैं आपको बोलूँगा कि इतना कुछ हमने इसमें काम करवाया और क्या कुछ खर्चा है। और आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह माइलेज वीडियोज भी बनाने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आप सबसे शेयर करनी थी, वो ये है कि मैं बहुत ही जल्द एक रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ। जी हाँ, एक बाइक ट्रिप होने वाली है जो कि हिमाचल हम लोग जाने वाले हैं। हिमाचल में जो भी एरिया होंगे वो कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो वो ट्रिप बहुत ही जल्द होने वाली है, कुछ ही दिनों में मैं निकल जाऊँगा हिमाचल के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरी उस जर्नी में मेरा साथ दें, भरपूर सपोर्ट दिखाएं। और जो भी वो सीरीज़ आने वाली है हिमाचल की, रोड ट्रिप की सीरीज़ जो आने वाली है, उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना आप लोग, खूब शेयर करना आप लोग उन वीडियोस को, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए आज का डे एंजॉय करते हैं, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। हाँ दोस्तों, फाइनली हम लोग कुलगाम पहुंच चुके हैं। और एक खूबसूरत सा पेट्रोल पंप यार, ज़बरदस्त सा पेट्रोल पंप, और राइट साइड में पेट्रोल पंप, चारों ओर पेट्रोल पंप, सिर्फ पेट्रोल ही बिक रहा है यहाँ पे हमारे देश में। अच्छा, जोक से पार्ट, हम लोग कुलगाम पहुंच चुके हैं और आधे मिनट की दूरी पर हमारा शोरूम है इसका, यामाहा का शोरूम, जहाँ पर मेरी एक वक्त की ड्रीम बाइक हुआ करती थी। मतलब मेरा पहले R15 का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन अब खैर मुझे ट्रैवल ज़्यादा पसंद आने लगा है, तो अब मुझे ऑब्वियसली टूरिंग बाइक का क्रेज़ है। खैर अभी शोरूम पे पहुँचते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, वो ठीक कराएंगे और बाकी देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। ठीक है, नो ड्रग्स। अच्छा, ये क्या लिखा है? नो ड्रग्स, नो वार, ओनली प्यार। ओके, जन्नत कश्मीर। नो ड्रग्स, नो वार, ओनली प्यार। ये निकल गए हम, बहुत ही अच्छी मैसेज लिखी थी भाई ने पीछे। भाई साहब मेरे लेफ्ट साइड पे फूल हैं, इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रहा यामाहा शोरूम। ओहो हो हो, R15 एंड MT15, और भी एक बाइक है FZX, और स्कूटीज काफ़ी सारी। खूबसूरत है शोरूम, ड्रीम बाइक से भरा हुआ। Hours later. चलो, हाँ जी दोस्तों, तो हमारी स्कूटी की सर्विस हो चुकी है और ये देखिए रहा शोरूम, देख लीजिए अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये हमारे स्कूटी ड्राइवर राइडर बहुत ही तेज तेज चल रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों, मैं पीछे बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ अभी, और हमारे भाई बाइक चला रहे हैं, मतलब स्कूटी चला रहे हैं। स्कूटी की सर्विस डन हो चुकी है और ये देखिए कैसा पागल सा ड्राइवर था। ओके, तो ऐसी जगह पे हम लोग पहुँच गए हैं। और सुबह जब हम लोग घर से निकले थे, तब बहुत ही ज़्यादा धूप थी जैसे कि आप सबको भी पता है, और अभी 4:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और ये देखिए मौसम का क्या हो चुका है, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी इतनी तेज़ बारिश होगी कि हम लोग फंस जाएंगे रास्ते में ही। सो लेट्स सी क्या रहता है। अभी हम लोग घर की तरफ भाग रहे हैं और रास्ते में देखेंगे, भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, रास्ते में कुछ खा पी लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे। सो लेट्स गो। और क्या कर रहा है? और अभी राइडर स्विच हो गए, अभी मैंने कमान संभाल ली है क्योंकि मुझे देखना है कि सर्विस कैसी हुई है। वैसे तो ठीक ठाक ही हुई है, लेकिन सारे काम इसमें नहीं हो पाए, बट सर्विस खैर ठीक ही है। और जो मीटर हमारा था, ये जो मीटर था, ये उनसे ठीक नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि पूरा मीटर ही चेंज कर दो, नया मीटर लगवा लो जो कि 3000 रुपये का आता है, तो इसलिए हमने मीटर चेंज नहीं करवाया। बाकी अभी चलते हैं
और आगे कुछ खाने पीने के लिए भी देखेंगे, रुकेंगे। और आसमान देखो कितना खूबसूरत हो रखा है और बारिश तो होने को ही है भाई। और ये कौन सा गांव है? और इस गांव का नाम है मडरगाम, पता नहीं क्या नाम है। तो अभी चलते फिलहाल के लिए और एंजॉय करते हैं अपनी आज की राइड को। लेट्स गो, लेट्स 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 गो। दोस्तों एक दिक्कत आ चुकी है, हम जैसे ही मैंने आखिरी जगह जहाँ पे मैंने क्लिप एंड किया था, ब्लॉग एंड किया था, तो वहाँ से हम लोग आगे आए और नेहामा में पुलिस का धरना था और उन्होंने हमें धर लिया। ठीक है, हाँ, तो नेहामा में पुलिस ने पकड़ा और मेरे पास लाइसेंस तो है लेकिन स्कूटी के कागजात मैं नहीं लेके आया था। मुझे लगा था कि भाई क्या ही होगा, कागजात का क्या ही करना है, और वो घर पे पड़े हुए थे। तो हमारी स्कूटी जब्त कर ली गई है और वो थाने में है अभी स्कूटी, और हम अभी पैदल घर को जा रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे। अगर कोई बाइक आई तो फिर हम बाइक पे जाएंगे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसीलिए हमारी स्कूटी अंदर थाने में बंद हो गई है। बाकी अभी देखते हैं कैसा आज दिन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, खूबसूरत था, राइड मारी हमने ज़बरदस्त, एक चिल राइड मारी, बट एंड पे घर पहुँचते पहुँचते दिक्कत हो गई। सो भी क्या ही कर सकते हैं। मेरे सामने खूबसूरत से पहाड़ हैं, ये देखिए बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और बारिश का मौसम हो रखा है बहुत ही ज़बरदस्त वाला। बाला बाला बाला, ये आपकी ये हालत किसने करी है? तो अभी हमारी सवारी आ चुकी है। 2 घंटे बराबर वेट करने के बाद, हर एक फ्रेंड और हर एक जानकार को कॉल करने के बाद हमारी लिफ्ट आ चुकी है और फाइनली हमारा दोस्त ही आया है हमारे काम आज। और इनको बहुत सारी बधाइयाँ क्योंकि इन्होंने आज हमारी मदद करी है ऐसी सिचुएशन में। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अपनी बाइक लेकर आए हैं, ये देखिए अपना हल्क लेकर आए हैं। तो अभी फाइनली हम लोग घर जाने वाले हैं 2 घंटे के बाद। तो फाइनली जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँच गए हैं और मतलब अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं। बाय द वे 4 बजे हमारी स्कूटी पकड़ी गई थी और अभी 6 बज रहे हैं। 2 घंटे से हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे, फिर आखिर में शिराज भाई आए जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बचाया वहाँ से, फिर मतलब हमें लिफ्ट दी और यहाँ तक पहुँचाया घर तक। तो अभी सेफली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच गए हैं। और लेकिन स्कूटी का मेरे को बहुत ही दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है क्योंकि हमारी स्कूटी पकड़ी गई। खैर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको एक ज़बरदस्ती चीज़ दिखाने वाला हूँ। बादल जो है इनका फॉर्मेशन कुछ अजीब सा है जो कि देखने लायक है। आप ये देख सकते हैं बादल की फॉर्मेशन कैसी है और बीच में ये वाले बादल देखो, मतलब आप खुद ही देखो कैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं रुई रुई सी है आसमान में। बहुत ही ख़तरनाक फॉर्मेशन है अभी बादलों का, मतलब ज़बरदस्त भी है, खूबसूरत भी है लेकिन ख़तरनाक भी है एट द सेम टाइम। और ये देखो मतलब बीच में से लाइट भी आ रही है ऊपर से, तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये पहाड़ देखो ना, पहाड़ को तो पहाड़ों का तो क्या ही कहना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। मूड तो वैसे भी ख़राब हो ही गया है मेरा। तो खैर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। और हमारा ट्रिप जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है घर से, यहाँ से कश्मीर से मैं अकेला जा रहा हूँ, बाकी हमारे दोस्त बाहर से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और जो कुछ भी होगा आगे वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, ख्याल रखें, खुश रहें।